स्टोरी एक सीन काफी रोमांटिक वाला बात है। सॉरी एक सीन जो है इसमें से आप एक पिक्चर का मतलब एक सीन रोमांटिक वाला बात है। कौन सा सीन वायरल किया गया तो मुझे बता दो। तो किस सीन? हाँ तो मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर? उसके मतलब क्या पिक्चर का आपको क्या लगता है उसमें अच्छा दिखना चाहिए उस सीन को? See, I don't know all that. That's I don't know what who's done that whatever. But my only thing is, it was a scene in the film which was important to the you know, because she was, you know how it is, like, you know, you're just growing up. Your first kiss, it was a beautiful moment which we tried to portray in the film. Now whoever made it viral or whatever, I don't know. Ma'am, Oli is coming. Any special party? I am going to play this year. I have not played last year, but this year I'm going to have a great time on Holi with my friends and family. Ma'am, ek wish agar ho jaye. एक विश हो जाए फॉर होली। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली। प्लीज़ सेलिब्रेट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यूज सेफ कलर्स फॉर द स्किन। या थैंक यू, थैंक यू सो मच। पनरी साहब ने जो फिल्म बनाई है जीना इसी का नाम है, एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनर है और बड़ा अच्छा लगता है जब ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो कल फिल्म रिलीज़ होने वाली है तो उम्मीद हम लोग सब करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि जितना अच्छा रिस्पांस इस फैमिली इंटरटेनर को ट्रेलर में मिला है उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दर्शक रिलीज़ होने के बाद फिल्म को भी देंगे। देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा रोमांचित हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो शेर के साथ उसका कॉम्बैट हो और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मैं उन भाग्यशाली अभिनेताओं में से हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म के इतिहास में अगर देखें तो एक श्री धर्मेंद्र जी को मिला एक बार फाइट करने का शेर के साथ मौका, फिर एक बच्चन साहब को मिला अमिताभ बच्चन साहब को, फिर अजय देवगन जी को मिला और अब मेरे हिस्से में ये पड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये हर एक्टर का अपना एक अपनी एक तमन्ना होती है कि जहाँ पर उसको टाइगर के साथ कॉम्बैट करने का मौका मिले और ये इस किरदार की जो कुंवर विक्रम प्रताप सिंह का कैरेक्टर है हमारा उस किरदार की मांग थी। तो मुझे लगता है और वो शूट भी बहुत अच्छा किया है हमारे डायरेक्टर केशव ने और हमारे जो फाइट डायरेक्टर हैं फाइट मास्टर हैं श्री अब्बास भाई ने,
बहुत अच्छा शूट हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो आपको भी रोमांचित करेगा। आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था? प्रेम सर हैं, अद्भुत अद्भुत, क्योंकि उनका किरदार बहुत ही अलग है, अद्भुत। देखिए क्या होता है कि जब आपके साथ अच्छे और अनुभवी अभिनेताओं की फौज होती है, कि जैसा आप देख रहे हैं कि सुप्रिया जी हैं, प्रेम चोपड़ा साहब हैं, रति अग्निहोत्री हैं, अरबाज खान साहब हैं, तो आपको उनके अनुभव का अपने आप उनका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आता है, तो वो चूंकि अच्छे होते हैं तो वो आपको अपने आप अच्छा बना देते हैं। तो मुझे आप ऐसा मान के चलें कि जितने अनुभवी हैं और जितने युवा हैं, मतलब हिमांश और मंजरी और ये अनुभवी लोग, इनके बीच में जब किसी कांच के टुकड़े को अगर हीरे के बीच में रख दो तो वो ऑटोमेटिक हीरा लगने लगता है। तो ऐसी हालत आशुतोष राणा की। जी एक फिल्म है उड़नछू, फिर एक फिल्म है चिकन करी लॉ, और फिर एक गोविंदा जी की फिल्म है लो आ गया हीरो। सर होली की कोई स्पेशल कुछ प्लानिंग? कुछ होली की बहुत, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी, कि बड़ी मुश्किल से पहचाना उन्हें इस बार होली में, गुलाबी हो गए हैं सांवले सरकार होली में। बहुत शुक्रिया। इच्छाएं इंसान की अनंत होती हैं, ख्वाहिशें इंसान की अनंत होती हैं, लेकिन क्षमता इंसान की बड़ी सीमित होती है। तो मेरी ये विश है कि जो आपकी इच्छा है उसके मुताबिक आपकी क्षमता हो, या फिर जो आपको आपके अंदर क्षमता है उसको। Excited, yeah. I'm really excited. Firstly, Arbaaz sir is there in the film, and on top of that, Manjri is also there. So I've worked, been fortunate enough ki dono ke sath maine kaam kiya hai. Arbaaz sir ke sath Dolly ki Dolly, and Manjri ke sath Warning ek film humne kari. So I'm excited to see it, and the trailer looks really good. And so I'm waiting to go and watch the film and see how magical it is. So Ukrit 2 aa rahi hai. बहुत ही एक्साइटमेंट है पब्लिक में, तो उसके बारे में कुछ, उसके बारे में बस ये होगा कि वाला फैक्टर होएगा दोबारा, एंड हनी चूचा, लाली, भोली, पंजाबन, जफर सारे वापस आएंगे। भी अब भी हमने बस खत्म करी है इनफैक्ट शूट, एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। आई थिंक जो फन एलिमेंट है, वो जो फुकरा पंक्ति है, वो जो मस्ती है, वो सारी उतनी ही है जितनी पहले भी थी। आई थिंक उससे ज़्यादा है, बट आई जस्ट होप कि लोगों को उतना ही मज़ा आया जितना उनको पहले आया था, एंड दे एंजॉय द फिल्म मोर।
But we are very excited while making the film, and I hope now people जब वो देख रहे हैं they are also very excited, and उतना ही जितना पहले हंसे थे उससे ज़्यादा हंसा के उनको वापस घर भेज सके। फुकरे के अलावा जैसे फिल्म अभी ख़त्म करी थी, इट कम्स आउट मिडल ऑफ दिस ईयर, जिसका नाम है राबता, एक वो है, एंड देयर इज अ फिल्म दैट आई एम स्टार्टिंग, इट्स कॉल्ड जिमी शेरगिल एंड मी इन इट, तो अश्विन मनी है जो डायरेक्टर है, तो वो अप्रैल से हम शुरू करेंगे। मैं तो बहुत बड़ा होली का फैन हूँ, आई थिंक होली एक ऐसे वैसे मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, तो वहाँ पे थोड़ी गंदी होली खेलते हैं, लेकिन बॉम्बे आके मैं थोड़ा सेन हो गया हूँ, तो हम जो इको फ्रेंडली कलर्स होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं उन्हीं से होली खेलते हैं, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल इंडिया में, कि जब आप पूरे हर बंदे को रंग सकते हो एंड यू हैव ऑल कलर्स ऑन यू एंड ऑल दैट, सो वो है, एंड माई फैमिली शिफ्टेड मी नाउ इन बॉम्बे, सो दिस ईयर आई हैव प्लान्स ऑफ प्लेइंग होली विद माई फैमिली, तो हम जाएंगे अपने फ्रेंड्स के घर पे, फैमिली रिलेटिव्स के घर पे, एंड वी प्ले नाइस गुड जामफाड़ होली। हाय, दिस इज वरुण शर्मा एंड विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी होली, प्ले सेफ बट एकदम रंग जमा के खेलना और बहुत मजे से खेलना, एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट होली एंड हैव अ वेरी सेफ होली। वुमेंस डे आ रहा है, आई थिंक वुमेंस डे आ रहा है, आई थिंक वुमेंस डे इज वन पर्टिकुलर डे, आई थिंक एवरी डे इज अ वुमेंस डे, आई थिंक वी शुड रियली रिस्पेक्ट द वुमेन अराउंड अस एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देम, एंड आई थिंक सारी उम्र जब हम बचपन से लेके जब तक बड़े होते हैं, तो मदर इज़ द वन हू टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड, एंड आफ्टर दैट द वाइफ टेक्स केयर ऑफ द हस्बैंड, एंड आफ्टर दैट द डॉटर टेक्स केयर ऑफ द फादर, सो इट्स ऑल अबाउट वुमेनहुड, एंड आई थिंक वी दे टेक केयर ऑफ अस ऑल थ्रू आउट एंड वन डे, एंड आई थिंक एवरी डे द वुमेंस डे, एंड वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम, एंड विशिंग एवरी वन अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। Thank you, sir. Thank you.